बेमेतरा में बन रहे बाईपास के लिए अधिग्रहित जमीन का 2 साल बाद भी मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। ग्रामीण लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। अधिकारियों की लीपापोती के चलते किसान मुआवजे को लेकर परेशान हो रहे हैं और सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। दरअसल बेमेतरा शहर में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए चोर भट्टी से बेजी तक बाईपास सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने किसानों से जमीन अधिग्रहित की और किसानों को मुआवजा दिया जाना था। किसानों ने आरोप लगाया रसूखदार लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों ने सर्वे में गड़बड़ी की। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित हुई है उन्हें मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। भुइया माठा से वो बाईपास का मुआवजा जमीन दबा है उसका मुआवजा के वितरण करने के लिए और 2 बार हो चुका है। अब मिलेगा 2 महीना में मिलेगा 3 महीना में मिलके अभी तक के नहीं मिला नहीं है। बाईपास का निर्माण हो रहा है उसमें रोड का काम तो शुरू हो चुका है, बेस का काम हो गया है और आधा शायद रोड भी बर्बाद हो चुका है, लेकिन किसान पिछले 1 साल से भटक रहे हैं, दर दर चक्कर काट रहे हैं। उनको आज तक मुआवजा राशि नहीं दी गई है, कभी इस ऑफिस को कभी उस ऑफिस, समझ में नहीं आता। सरकार एक तरफ किसान हित की बात करती है, दूसरी तरफ किसानों को परेशान किया जा रहा है।